हमने देखा है कि एक फैक्ट्री किस तरह से काम करती है। एक फैक्ट्री जो कई चीजें बनाती है वो कई काम करती है, जैसे असेंबल करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और फिर बनाई गई चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। और एक सेल के फंक्शन को समझने के लिए हम यही एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक ऑर्गेनेल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जो कुछ जरूरी पदार्थों का निर्माण करती है, जबकि गॉल्जी अपैरेटस नामक दूसरा ऑर्गेनेल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और वर्किंग को देख चुके हैं। अब हम अगले ऑर्गेनेल को देखते हैं जो है गॉल्जी अपैरेटस। इस यूनिट को सेल का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग यूनिट कहते हैं। इस अपैरेटस का नाम कमिलो गॉल्जी के नाम पर रखा गया है, जो कि गॉल्जी अपैरेटस को डिस्क्राइब करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इंडिविजुअल नर्व सेल को स्टेन करने का एक क्रांतिकारी तरीका ढूंढा और सेल के स्ट्रक्चर की पढ़ाई की। जिस सेल ऑर्गेनेल पर उन्होंने फोकस किया वो गॉल्जी अपैरेटस था। लेकिन ये ऑर्गेनेल कैसे दिखते हैं? क्या आपने कभी पिचके हुए गुब्बारे देखे हैं? गॉल्जी अपैरेटस एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए पिचके हुए गुब्बारों की तरह दिखता है। यहाँ पर ये चीजें क्या हैं? इनमें से हर एक को वेसिकल कहते हैं और स्टैक में रखे हुए इन वेसिकल्स को सिस्टर्ने कहते हैं। ये सभी एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ये ट्यूब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इससे जुड़ी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज किए गए मटेरियल को पैक करके अलग अलग जगहों पर भेजना पड़ता है। कल्पना कीजिए एक सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए गॉल्जी बॉडी में जाते हुए। ये सिस्टर्ने के अंदर इनमें से एक वेसिकल के जरिए जाएगा। ये फिर इन सिस्टर्ने से गुजर कर मॉडिफाई होगा। पैक हो जाने पर प्रोटीन को टारगेट डेस्टिनेशन पर फिर भेजा जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से भेजे गए पदार्थों को गॉल्जी अपैरेटस जमा करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है और पैक करता है। लाइसोसोम्स के निर्माण में भी गॉल्जी यूजफुल होता है। जरा रुकिए, अब ये लाइसोसोम्स क्या है? चलिए हमारे अगले वीडियो में उनसे परिचित होते हैं।